के हमारे साथी और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सोचिए ना किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखने के लिए हम लोग कितना तरसते रहते हैं। टेलीविजन पे देखते हैं तो हम लोग खुशी होती है कि देखो वहाँ के मुख्यमंत्री को आज हमने देखा, और आज हिमाचल के मुख्यमंत्री अपना सारा वहाँ का काम छोड़कर और आपके बीच में त्रिनगर में आए हैं, कोई इससे बड़ी बात आपके लिए हो सकती है? मुझे पता नहीं आपको खुशी हो रही कि नहीं हो रही, मुझको तो बहुत खुशी हो रही है। और इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही है, आपको मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सारी जगह पे कैंपेन में जा रहा हूँ, बहुत जगह पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन इतनी सारी जागरूक बहनें, इतने सारी जागरूक युवा हमारी जो है बच्चियां, इतनी सारी हमारी बड़ी संख्या के अंदर माताएं एक साथ जो है ये संकल्प लेने के लिए कहीं पर आई हो, ये इस चुनाव में तो अभी आज मैंने पहली बार देखा कि जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने 70 में से 67 सीटें दी थी 2015 में, ठीक है, अभी 2015 के बाद 2017 में दिल्ली में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, 6 महीने पहले जब चुनाव हुआ तो 70 में से जिसको 67 सीटों पे जिताया उसको आपने 70 में से 65 सीटों के ऊपर हराया, पहले नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंचाया, ज्यादातर जगहों पर इंक्लूडिंग इस जगह पर भी उनकी जमानत एक तरीके से जब्त करा दी, 56% वोटों के बदले 16% केवल वोट आपने दिलाए। तो 17 के अंदर भी हमने उनका काम देखा हुआ था, 19 में भी जब चुनाव हुआ तो उनकी सरकार का 4.5 साल का काम देखा था, उसके बदले मोदी जी का 5 साल का काम देखा था आपने, और आपने फैसला किया कि ये किसी लायक नहीं है, पहली पोजीशन से तीसरी पोजीशन पर पहुंचा दिया। 2015 के चुनाव के बाद एक चुनाव में तो वो जीत गए क्योंकि लंबे लंबे वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, बहुत लंबे लंबे झूठ बोले, इतनी हाकी उन्होंने 2015 में बातें कि सबको लगता था कि चलो नया आदमी आया इसको एक मौका देना चाहिए। लेकिन 2015 के बाद से आज तक जितने भी चुनावों में वो गए हैं, खाली दिल्ली के अंदर ये कॉर्पोरेशन का चुनाव और ये जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 17 और 19 में उसकी बात नहीं कर रहा, दिल्ली से बाहर गए, हरियाणा में भी जाके उन्होंने चुनाव लड़ा, दिल्ली से बाहर गए गोवा में जाकर भी चुनाव लड़ डाला, दिल्ली से बाहर जाकर वहां महाराष्ट्र में पता नहीं कहां कहां जाकर चुनाव, जहां जहां भी चुनाव जाके लड़ा, सब जगह से हार कर जैसे कहते ना लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली स्थिति उनकी रही थी।